चलो आज हम पढ़ेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व और इसको जे से व्यक्त करेंगे, जे से, छोटी सी भौतिक राशि है, जे से व्यक्त करेंगे। कल हमने धारा पढ़ी थी, धारा के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था देखो, धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर, दर को धारा कहते हैं। I बराबर, सामान्य सूत्र पढ़ा आपने, I बराबर क्यू अपॉन टी, ठीक है ना? तो एक और सूत्र पढ़ा, I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। देखो सूत्र बनाने का भी आपको अनुभव होना चाहिए। I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, धारा का माना जाता है। आपने और पढ़ा आई बराबर, अगर परिक्रमण हो, आवेश परिक्रमण करे, कल बताया था मैंने, तो आई बराबर बताया था क्यू अपॉन टी। यह और काल की समय है वैसे भी, ये भी यही सूत्र है, बस मैंने इसकी जगह कैपिटल टी रख दिया। अब इससे मैंने आपको कई सारे सूत्र बना करके बताए थे, टी बराबर टू पाई अपॉन ओमेगा होता है। अगर ये टी का मान रखूंगा तो बताओ क्या आएगा, क्यू ओमेगा अपॉन टू पाई आएगा, ठीक है ना? अगर टी का मान वन अपॉन एफ रखो, याद है आवृत्ति का व्युत्क्रम आवर्त काल के बराबर होता है, तो इस टी की जगह वन अपॉन, देखो यहां वन अपॉन एफ रखूंगा तो एफ ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा क्यू इंटू एफ, इस तरह से आएगा। एक और बताया था मैंने आपको, ये क्या है, समय। एक परिक्रमण में बताओ समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, बताओ। एक परिक्रमण में लगा समय बताना है और चाल का मान मान लो v के बराबर है, या आवेश, तो एक परिक्रमण में दूरी का मान 2 पाई r और चाल का मान v, बताओ इसका मान अगर 2 पाई r अपॉन v रखूंगा तो क्या आएगा, सोचो, रखो मान रखो, सूत्र बनाना आ जाना चाहिए भाई आपको, क्या है बताओ। टी बराबर टू बाई आर अपॉन बी रख दो, तो ये आंसर आ गया आपका क्यू बी अपॉन टू बाई आर। इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बता दिया था, इसका भी एक सवाल बता दिया था। चलो इधर देखो, एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने आपको, यदि टी समय में एन परिक्रमण हो, टी समय में एन परिक्रमण हो, तो धारा का मान पूछा था हमने आपसे, क्या आता है, क्यू अपॉन टी आता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एन परिक्रमण कितने समय में, टी समय में, तो एक परिक्रमण में लगा समय आया, ये आ गया, तो इसका मान क्यू अपॉन टी अपॉन एन, ये ऊपर चला गया क्यू एन अपॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है साहब, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का परिमाण यहां रख दिया जाएगा, धारा का माना जाए। इसके बारे में कुछ और चीजें, ये दोबारा कल का इसलिए रिवाइज कर रहा हूं, ये मालूम होना जरूरी है हमें। धारा के बारे में और क्या चीजें बताएं, बताओ, अदिश राशि है, कारण क्या था इसका, क्योंकि ये सदिश गुणधर्मों का पालन नहीं करती है। एक्सप्लेन कैसे करोगे, दो तारों के बीच का कोण थीटा है, 3 एम्पियर और 2 एम्पियर की करंट है, तो इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर होता है, जो कि इन दोनों के 20 गणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात इस तार में बहने वाली परिणामी धारा का मान थीटा के मान पर निर्भर नहीं करता है, इसका मतलब सदिश गुणधर्मों का पालन नहीं हुआ, इसलिए हम इसको अदिश राशि की कैटेगरी में डालते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, ए से लिखते हैं, और यही विमा भी होती है इसकी। ए दिशा के बारे में मैंने आपको दो चीजें बताई, प्रवाह की दिशा में, धन आवेश प्रवाह की दिशा में, लेकिन हम चालक के बारे में बात करेंगे, चालक के अंदर धन आवेश प्रवाहित होता ही नहीं है, चालक के अंदर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके कारण धारा का प्रवाह होता है, तो हम क्या इससे निकालने के बजाय इससे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में,
इलेक्ट्रॉन प्रवाह के मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, इधर घूम रहे इलेक्ट्रॉन, तो बताओ धारा किधर होगी? इधर होगी, इधर इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में। ये धारा के बारे में कल आपने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, कल हमने चैप्टर शुरू कर दिया था और छोटी छोटी सी बातें थी धारा के बारे में, तो कल का पोर्शन मैंने रिवाइज कर दिया। और अब देखो धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या है? देखो करंट फ्रॉम नॉर्मल यूनिट एरिया, जिसे मान लो ये एक चालक तार है और इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट कौन सा होता है आप लोग जानते ही हैं, कौन सा अनुप्रस्थ काट है बताओ? यही है ना, ये इसका अनुप्रस्थ काट होता है, ठीक है। अरे इसको पकड़ करके, ये यूं है, इसको पकड़ के इधर करो आराम से, ठाटे से देखो यार, ये इसका अनुप्रस्थ काट, ये वाला, ये देख लो, ये इसका अनुप्रस्थ काट है। वापस इसको यूं कर दो तो यही वाला दिखेगा ना, और इसका क्षेत्रफल सदिश कितना होता है? तल के लंबवत बाहर की ओर, तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल सदिश होता है इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कहलाता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब सुनो, अगर इसमें से बहने वाली धारा का मान आई हो, इसमें से बहने वाली धारा कितनी है? आई। तो देखो एक क्षेत्रफल से, एक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा कितनी है बताओ? लंबवत प्रवाहित धारा कितनी है? आई। तो बताओ एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा करंट थ्रू नॉर्मल यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी। एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा का मान कितना आएगा? ए क्षेत्रफल में से बहने वाली धारा का मान आई है, तो एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा का मान हो गया आई अपॉन ए, एंड दिस इज नॉन एज करंट डेंसिटी, जे बराबर आई अपॉन ए, इसी को हम धारा घनत्व कहेंगे। हो गया, इतना छोटा सा टॉपिक है। एकांक, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा को हम धारा घनत्व कहें। लेकिन अगर मान लो मेरी इच्छा ऐसे हुई कि यार मैंने इसको यूं काट दू, मान लो इस तरह से कि इसका अनुप्रस्थ काट ये बन गया, देखो इधर ये अनुप्रस्थ काट है सर, तार है मेरे पास एक, इस तार को मैंने इस प्रकार से, इस तरह से ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना दूं। अब आप सोचो इसमें बहने वाली धारा तो यही होगी आई, आई, और जबकि इसका देख रहे हो ना, जैसे ककड़ी छीलते हैं ना अपन, ये सीधे सीधे काट दो तो ऐसे कटेगी ककड़ी, सलाद काट दो ना यार, ऐसे काटो तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरह से नजर आएगा, और अगर यूं तिरछा मार दिया यूं तो ऐसा दिखेगा ना। इन दिस सिचुएशन वेक्टर ए, इस वेक्टर ए की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूं हो गया वो, तो ये इधर की तरफ हो गया, राइट। अब मान लो इन दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। बताओ क्या इसका इस दिशा में घटक ले सकते हो? बताओ कितना आएगा? क्षेत्रफल का मान कितना है? ए। जिधर कोण होता है उधर का घटक क्या लिखते हैं? कॉस। जिधर कोण उधर कॉस, तो ये कितना आएगा? ए कॉस थीटा। तो इस दिशा में, धारा की दिशा में प्रभावी क्षेत्रफल का मान आ गया ए कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? तो अब
यहां पर धारा घनत्व को कैसे लिखा जाएगा, धारा देखो धारा घनत्व को कैसे लिखते हैं, धारा घनत्व बराबर धारा बटे प्रभावी अनुप्रस्थ काट काट क्षेत्र ये होता है। तो अब बताओ यहां प्रभावी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो गया, बता सकता हूं आई अपॉन ए कॉस थीटा। जैसे विद्युत फ्लक्स में पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की मात्रा को, विद्युत फ्लक्स वहां भी कॉस थीटा था, ई इंटू ए कॉस थीटा। इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसी तरह से यहां भी आएगा। तो बताओ आई बराबर क्या हो गया, जे ए, इसको इधर ले जाओ, जे ए कॉस थीटा होगा। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जे डॉट ए, कुछ याद आया, बिंदु गुणनफल जानते हो ना, अगर इनका बिंदु गुणनफल खोलेंगे तो क्या आएगा, इसका परिमाण फिर इसका परिमाण और दोनों के मध्य के कोण की कुज्या, जानते हैं यार अपन क्या होता है, बताओ ए डॉट बी को खोल के देखो क्या आएगा, इसका परिमाण लिखो ए आ गया, इसका परिमाण लिखो ये आ गया, और दोनों के बीच के कोण की ज्या। तो मैंने जे ए कॉस थीटा को आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, हो गया। सिंपल सिंपल चीजें हैं, ज्यादा हेडेक मोल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जे बराबर क्या है डेफिनेशन, एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा को, ये धारा घनत्व, और सामान्य क्षेत्रफल होता है, सामान्य सूत्र होता है इसका धारा घनत्व का आई अपॉन ए। ये तो अपन ने अलग तरीके से बना करके इसको इस तरह से लिखा है कि अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये वाला मान लो वेक्टर ए, तो इस वेक्टर का मान इधर की तरफ का जो क्षेत्रफल आएगा, बात समझ रहे हो ना, अगर मान लो इधर देखो वास्तव में अनुप्रस्थ काट तो ये है, आपने तो इतना बड़ा बना दिया, बताओ यहां बड़ा बनेगा नहीं बनेगा, बड़ा बन गया ना, इसके कंपैरिजन में बड़ा बन गया। अगर मान लो इस पूरे का क्षेत्रफल ए है, तो अब इधर की तरफ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ये आ जाएगा ए कॉस थीटा। वास्तव में धारा की दिशा में अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कितना बन गया, ए कॉस थीटा। अगर कोई बोले इसका मान ए है तो बताओ इसका मान कितना होगा, तो लिखा है यहाँ पे ये वाला मान पूछा है, ये कितना है, ए कॉस थीटा है। बस सुन भाई इधर देखो इसका मान कितना आएगा, ए कॉस थीटा आएगा, और धारा का मान कितना है, आई धारा का ना तो निकाल लो ये आएगा, ठीक है ना। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो जे बराबर आई अपॉन ए। अब देखो इसका मात्रक क्या है, एम्पियर, और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं भाई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर धारा घनत्व, ठीक है। अब एक खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, सदिश राशि, वास्तव में सदिश तो उसको होना चाहिए था अगर उसमें गुण होता तो, किसमें, एक ही परिवार के दोनों धारा घनत्व और धारा, सदिश तो उसको होना चाहिए था, उसमें दिशा भी है परिमाण भी है सब है, लेकिन एक गुण नहीं है, बस सदिश गुण धर्मों का पालन नहीं करती, और जो पालन नहीं करता उसका ताज छीन लिया सदिश का, और किसको दे दिया वो ताज, धारा घनत्व को दे दिया। और देखो सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, तो धारा घनत्व की जो दिशा होती है वो धारा की दिशा, वास्तव में जो धारा के बारे में हम लिखते हैं कि धारा अदिश राशि है, लेकिन उसकी दिशा का इस्तेमाल कौन करता है, धारा घनत्व, धारा की दिशा का इस्तेमाल किसने कर लिया, धारा घनत्व, सदिश राशि और जिसकी दिशा होती है, देखो ना सदिश राशि जी वेक्टर सदिश राशि धारा की दिशा में होता है,
इसकी दिशा धारा की दिशा में होगी। और एक और चीज देखो, एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, यहां हम थोड़ा सा जागरूक रहेंगे। कल हमने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर अनुप्रस्थ काट का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग है, देखो यहां पर आप देख सकते हैं अनुप्रस्थ काट अलग है, यहां देख सकते हैं अलग है, और एक और बना देता हूं। चलो देखो यहां पर अनुप्रस्थ काट अलग है, मान लो यहां इस बिंदु का नाम वन नंबर, बिंदु का नाम दो नंबर, इस बिंदु का नाम तीन नंबर, और इसके अंदर मान लो आई धारा का प्रवाह होता है आई। कल हमने आपको बताया था अगर तार का अनुप्रस्थ काट अलग अलग जगह पर अलग अलग, तो धारा का मान सब जगह पर एक समान हो, याद है, मतलब आवेश प्रवाह की दर का मान इस चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर एक समान हो। आप ऐसे बहुत सारे अनुप्रस्थ काट बना सकते हो, ये अनुप्रस्थ काट है, बहुत सारे अनुप्रस्थ काट बना सकते हो ना, ये अनुप्रस्थ काट है। आप किसी भी बिंदु पर यहां निकालो धारा का मान, चाहे यहां निकालो धारा का मान, यहां निकालो धारा का मान, सब जगह पर धारा का मान कितना आएगा आई। यहां भी धारा का मान आई आएगा, यहां भी धारा का मान आई आएगा, और यहां भी धारा का मान आई आएगा। आवेश संरक्षण के नियम से, मतलब जिस दर से आवेश अंदर जाएगा उसी दर से बाहर निकलेगा, मतलब आवेश कहीं रुकता नहीं है, कहीं आवेश का संचय नहीं होता है, इसलिए जिस दर से प्रवेश करता है उसी दर से बाहर निकलता है, राइट। इसका मतलब संपूर्ण चालक तार में अगर आपसे कहा जाए कि सब जगह धारा का मान समान क्यों होता है, अनुप्रस्थ काट अलग अलग है फिर भी धारा का मान समान क्यों है, आप क्या आंसर देंगे? मान लो आपने पढ़ा भी नहीं तो भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी पढ़ा है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, आवेश को न नष्ट कर सकते न पैदा कर सकते। तो बताओ मान लो एक पाइप के अंदर 5 लीटर प्रति सेकंड दूध प्रवेश करता है, एक सेकंड में कितना लीटर, 5 लीटर, जैसे दूध डेयरी वगैरह होती है वहां पर चेक करने के लिए वो लगे होते हैं, विटोट ट्यूब वगैरह सब लगी हुई होती है। तो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी भी है द्रवों का प्रवाह दर और ज्ञात करने के लिए। अगर 5 लीटर दूध प्रति सेकंड निकलेगा तो यहां से 5 लीटर दूध प्रति सेकंड बाहर निकलेगा, चाहे इसका माउथ चौड़ा हो, इधर सकड़ा हो, बीच में चौड़ा हो, इधर सकड़ा हो, कैसा भी हो, जिस दर से अंदर जाएगा उसी दर से बाहर निकलेगा। बस उनमें अगर मान लो मैं बोलूं यहां सकड़ा है तो यहां वेग का मान ज्यादा हो गया, 5 लीटर प्रति सेकंड अंदर जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है 10 लीटर प्रति सेकंड बाहर निकले, क्या अंदर गाय बहरी है, क्या गाय भेजे क्या अंदर तबेल आएगा, जो अंदर तो दूध कम जा रहा है और दूध बाहर ज्यादा निकल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जिस दर से आवेश प्रवेश करता है उसी दर से प्रवाहित होगा और उसी दर से एग्जिट भी होगा, इसलिए सभी स्थानों पर धारा का मान समान होता है। लेकिन जे बराबर होता है आई अपॉन ए, दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। जब आई का मान सब जगह समान है तो आप समझ सकते हैं जे प्रोपोर्शनल टू 1/a, जे प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसका अर्थ हुआ जहां पर, इधर देखना एक बार, इधर दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है, दिख रहा है, जे प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है आपसे, अगर ए ज्यादा है, यहां ज्यादा है ए ज्यादा है तो वहां करंट डेंसिटी का मान कम होगा, कम होगा। और बताओ अगर ए कम हुआ तो, इसका उल्टा है ना, ए कम हुआ तो जी का मान ज्यादा होगा। बताओ इन तीनों में आपको अनुप्रस्थ काट नजर आ रहे हैं तो बताओ यहां करंट डेंसिटी का मान क्या होगा, यहां मान लो J1, यहां मान लो J2, यहां मान लो J3। धारा के बारे में तो क्या बोला आपने, I1 बराबर I2 बराबर I3, सब जगह धारा का मान समान होगा, आवेश प्रवाह की दर का मान सब जगह समान होगा। लेकिन आप धारा घनत्व के बारे में क्या कहेंगे, ये कहेंगे बोला
जे प्रोपोर्शनल टू 1/T। यहां अनुप्रस्थ काट सबसे ज्यादा है, ए टू का मान सबसे ज्यादा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, ए थ्री, और सबसे छोटा कौन सा है, ए वन। तो अब धारा घनत्व तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, कैसा होगा बताओ, जे टू का मान, ये अनुप्रस्थ काट सबसे ज्यादा है तो यहां जे का मान सबसे कम होगा, फिर बताओ उसके बाद उल्टा कर दो ना चिन्ह, यहां जे थ्री और फिर सबसे ज्यादा अनुप्रस्थ काट कहां होगा, सबसे ज्यादा अनुप्रस्थ काट यहां है तो यहां धारा घनत्व सबसे कम होगा, यहां पर अनुप्रस्थ काट सबसे कम है तो यहां धारा घनत्व का मान सबसे ज्यादा होगा। अब आपसे सवाल ऐसे इस तरह से पूछा जाता है, आपको धारा घनत्व की परिभाषा में एक शब्द एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इन्वॉल्व करना चाहिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड यू हैव टू इन्वॉल्व इन योर डेफिनेशन। एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा को, नॉर्मल यूनिट एरिया, करंट फ्रॉम नॉर्मल यूनिट एरिया एकांक क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा को। अच्छा, सवाल इस तरह से पूछा जाता है, इधर देखो, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि ये धारा या ये जो अनुप्रस्थ काट नजर आ रहा है, इस अनुप्रस्थ काट का मान मान लो A2 है और इसका मान A1 है, एंड यू आर गिवन A1 अपॉन A2 बराबर 1:3, तो यहां I1 अपॉन I2 ये तीन गुना है इसका, तो आपसे पूछा जा रहा है I1 अपॉन I2 का मान क्या होगा, ये ऐसे सवाल पूछा है, बताओ क्या आंसर आएगा, दिमाग लगाओ। और अगर यूं पूछा जाए यहां धारा घनत्व J1, यहां धारा घनत्व J1, तो J1 अपॉन J2 का मान क्या होगा, ये आपका सवाल है, सोचो थोड़ा सा, सोचो आंसर दो। कितने लोगों को आया इसका आंसर देखना, कैसे सोचोगे इस सवाल को, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों का आएगा, आएगा भी। तो कंसेप्ट क्या कहता है आपका, आई इज नॉट डिपेंडिंग ऑन ए, आई का मान अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं है, ये तो आवेश प्रवाह की दर है, आवेश संरक्षण का नियम कहता है सब जगह आवेश प्रवाह की दर अर्थात धारा का मान समान होगा, देन I1 अपॉन I2 विल बी 1:1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे कहा जाता है चूंकि I कांस्टेंट है, I इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट्स व्हाई J प्रोपोर्शनल टू 1/A, I नियत है तो J का सूत्र हम जानते हैं I अपॉन A, तो ये कहता है J प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो बताओ J1 अपॉन J2 बराबर क्या लिखोगे बंधुओं, बोलो यार क्या लिखूं, A2 अपॉन A1, तो J1 अपॉन J2 बराबर आ गया A1 अपॉन A2 3:1 गया, गया। तो ये हो गया धारा घनत्व, तो ज्यादा हेडेक मोल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका बेसिक पता होना चाहिए, एक तो परिभाषा और एक धारा का मुख्य गुण, परिभाषा क्या है चलो बताओ धारा घनत्व की, करंट थ्रू नॉर्मल यूनिट एरिया, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित धारा को धारा घनत्व के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत हो तो बता दो अभी, चलो आगे चलते हैं, एक तो आपको परिभाषा है इसकी और दूसरा मात्रक तो सूत्र में आ ही गया, एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर, सदिश राशि है जिसकी दिशा धारा की दिशा में होती है,
लेकिन ये अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है करंट डेंसिटी का मान। ठीक है, अब आते हैं हम एक चालक के बारे में, केवल चालक के बारे में बात करेंगे, और अगर हम चालक नहीं भी बोल रहे हैं तो भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम केवल चालक के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो लिख देता हूं, चालक तार का प्रतिरोध, वी आर डिस्कसिंग ओनली रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, चालक तार का प्रतिरोध उसी की बात कर रहे हैं। प्रतिरोध क्या होता है याद है, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है। पहले मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा जो आपने पढ़ रखी, मतलब उनको इन्वॉल्व करूंगा, उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे एक तरह से अच्छे मायने में। अभी तो पहले जो कुछ दिमाग में भरा पड़ा है आपके उसको निकालना है, वो बीच में 11th क्लास आ गई, अब 10th क्लास वाली चीजों को कुरेद कुरेद के निकाल दूंगा मैं, डोंट वरी। प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है, क्या होता है प्रतिरोध, देखो इसमें आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, उससे हम इसको रिलेट करेंगे। अपने VCI फिजिक्स कोचिंग के बाहर एक रोड है इस तरह से, ठीक है, ये रोड वहां से उस कोने से लेकर उस कोने तक है, ये रोड मान लो। अब एक दूध वाला यहां से साइकिल से दो चरे लटकाकर साइकिल पर और इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है, इस दूध वाले का नाम रख दिया मैंने धारा, ये धारा इधर से इधर चली, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस रोड पर मान लो, इस रोड के ऊपर अभी बिल्कुल खाली, कोई इंसान नहीं, तो बताओ जब ये चलेगा तो बिल्कुल सीधा बहुत तेजी से जा सकता है ना, फिर इससे पूछो कोई दिक्कत आई रोड पे, ओके कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहां चलने में उसको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, कोई रुकावट नहीं है, आपकी भाषा में समझा रहा हूं। अब क्या हुआ कि जब ये दूध वाला यहां से चला तो मैंने उसी दौरान बेच छोड़ दिया भाई अपना, बेच मेरी क्लास खत्म हुई, बेच अब यहां से ओजोन सीढ़ियों से निकल करके बाहर रोड पे, दोनों तरफ साइकिलें लगी हुई है, कोई साइकिल निकाल रहा है, कोई आवाज दे रहा है, अरे इधर आ अपन वहां चलेंगे, कोई इधर जा रहा है साइकिल से, कोई इधर जा रहा है, सब इधर उधर इधर उधर। अब वो दूध वाला बेचारा, ये दूध वाला चल रहा है यहां से, कभी इससे बचा, कभी इससे बचा, कभी साइकिल, अब आपको मालूम है साइकिल चलाता है, जब मान लो इधर कोई आ गया तो बेचारा इधर मुड़ेगा, फिर इधर मुड़ गया, इधर कभी उसको इधर 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 साइकिल का घुमा बचा बचा करके, और यहां पूछे इससे पूछो क्या हुआ था रास्ते में, अरे बहुत दिक्कत है यार, यहां तो बहुत दिक्कत आती है, इस रोड पे तो कठिनाई बहुत है साइकिल चलाने में, बहुत मुश्किल से, लेकिन साइकिल चलेगी जरूर, इसका मतलब धारा बहेगी, लेकिन यहां पर क्या है कठिनाई है, धारा के मार्ग में अवरोध है। इस रोड पर उन बच्चों की वजह से उस दूध वाले के मार्ग में क्या पैदा हुआ, अवरोध। अगर मान लो मैंने बेच छोड़ा और साथ में बायोलॉजी वालों ने भी बेच छोड़ दिया, उनकी भी क्लास उसी वक्त छूट गई, तो फिर तो हुजूम हो गया बच्चों, अब वो कहेगा मेरे तो यार आज तो बहुत ज्यादा अवरोध का सामना करना पड़ा है, यहां से यहां जाने में पसीना आ गया, बोला मेरे, हम बोलेंगे इस दूध वाला मतलब धारा, इस धारा के मार्ग में उन बच्चों ने क्या पैदा कर दिया, ज्यादा अवरोध पैदा कर दिया, और वही अवरोध धारा प्रवाह के मार्ग में इसके द्वारा, चालक के द्वारा उत्पन्न किया गया अवरोध प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। अगर मान लो मैंने बच्चों से यहां से कहा कि भाई आधे बच्चे चल जाओ, थोड़े से ही बच्चे थे यहां पर, बताओ उसके मार्ग में अवरोध क्या होगा, कम होगा, तो चालक तार का प्रतिरोध किसे कहेंगे, पदार्थ इस चालक का गुण है, वो इस रोड की प्रॉपर्टी है, चालक का वह गुण जिसके कारण वह इसमें बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, एंड दैट इज रेजिस्टेंस, वो प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध। एक बार फिर सुनो, क्या है चालक तार का प्रतिरोध,
चालक का ऐसा गुण वह गुण जिसके कारण वह इसमें बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, इसे बोलेंगे हम चालक धार का प्रतिरोध। अब सुनो, अगर मान लो ये रोड छोटा होता तो उसको यहां से यहां तक ही कठिनाई होती बस, और अगर ये रोड ज्यादा लंबा है तो कठिनाई यहां से चालू होती है, यहां तक कठिनाई कठिनाई पसीने आता बेचारे। अगर थोड़ा सा ही रास्ता होता तो ले यार निकल चलता हूं इधर से, मुश्किल से निकला और फिर यहां जाके फ्री हो गया, मजा आ गया। तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, सुनते जाना ध्यान से, चालक तार का प्रतिरोध प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है, जितनी ज्यादा लंबाई होगी चालक तार का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, एवं चालक तार का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये धारा बहेगी इसमें। अच्छा बताओ ये अनुप्रस्थ काट मतलब, अरे देखो ना इसको यूं रखा है, देखो 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 अनुप्रस्थ काट दिख रहा है क्या, ये वाला ये अनुप्रस्थ काट दिख रहा है। ये रोड अगर मान लो ये रोड ज्यादा चौड़ा होता तो क्या होता, आप सोचो थोड़ा सा कोरिलेट करो इसको, आगे आंसर देने, आगे आंतरिक प्रतिरोध पढ़ाऊंगा सेल का अगले चैप्टर या इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसी में चालू तो हो गया अगला चैप्टर अपना पांच। तो बताओ अगर ये रोड ज्यादा चौड़ा होता तो उसके मार्ग में दूध वाले को आसानी होती है कठिनाई होती, कठिनाई का मतलब प्रतिरोध। बताओ अगर ये रोड डबल हो जाए, फोर लेन रोड हो जाए, दूध वाले को ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा या कम, आसानी से जाएगा या कठिनाई से जाएगा, आसानी से जाएगा, तो कठिनाई का मान क्या होगा, कम, मतलब प्रतिरोध का मान कम होगा। इट मीन्स अगर अनुप्रस्थ काट के बारे में सोचोगे तो अनुप्रस्थ काट अगर ज्यादा होगा, ज्यादा चौड़ा होगा ये तार, तो धारा को कम प्रतिरोध मिलेगा, कम कठिनाई होगी, तो आर प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए। इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो, लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल। ए अनुप्रस्थ काट जितना ज्यादा प्रतिरोध का मान उतना ही कम, ध्यान से देख लो दोनों को मिला दो, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, देन आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये रो क्या, ऐसे पढ़ते हैं इसको, रो क्या है, समानुपातिक नियतांक, समानुपातिक नियतांक, इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी तो मैं आपको इनके माध्यम से टेंथ में ले जाना चाहता हूं, वहां से चीजों को समेट करके लेके आएंगे और फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर धमाल मचाएंगे। पहले मैं उनका यूज करना चाहता हूं जो आपने टेंथ क्लास में पढ़ी, अभी आपको याद नहीं है लेकिन मैं वहां लेके जाना चाहता हूं, वहां से सारी चीजें सोर्स समेट करके हम ले आएंगे और तब जाकर के हम इसके अंदर धमाल मचा पाएंगे। विशेष प्रतिरोध भी ये रो, अब सुनो लंबाई बढ़ा दूं अगर मैं तार की तो नेचुरल लंबाई बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, अनुप्रस्थ काट कम हो जाएगा तो प्रतिरोध का मान भी, अनुप्रस्थ काट कम हो गया तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो चालक तार का जो प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक बात बताओ सोच के थोड़ा सा, ये तार है मेरे पास, अगर इस तार का द्रव्यमान, इस तार का द्रव्यमान मान लो, इस तार का द्रव्यमान 20 ग्राम, ठीक है, अब इसको खींच दो, ऐसे खींच दो, अब फिर तोलो इसको, क्या द्रव्यमान चेंज हुआ, वापस तोल लो यार उसको, वापस फोल्ड करके तोल लो, और नहीं तो वैसे ही खींचा कर खींचा ही तोल लो, आपके तराजू में दम होना चाहिए, क्या द्रव्यमान चेंज हुआ, नहीं हुआ, क्या चेंज हो गया, फिर लंबाई चेंज होगी, अनुप्रस्थ काट चेंज हो गया, बदलाव हो गया ना, त्रिज्या कम होगी इसकी, ये चेंज हुआ, क्या द्रव्यमान चेंज हुआ, नहीं हुआ,
मान लो तांबे का तार खींचूंगा तो क्या सोने का बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब उसका घनत्व चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। जब द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ, जब घनत्व चेंज नहीं हुआ तो क्या बचा? घनत्व के सूत्र में दूसरी राशि कौन सी है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। जब आप डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, घनत्व वही है, मतलब तांबे का था तो तांबे का ये तांबे का घनत्व फिक्स होता है। द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ, आपने खुद ने बताया अभी, तो फिर वॉल्यूम हाँ भाई आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई, अगर तार को खींच दिया तो न द्रव्यमान बदलेगा, न घनत्व बदलेगा, न आयतन बदलेगा। तो कंसेप्ट नंबर वन, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई एन गुनी कर दें तो इसका प्रतिरोध एन स्क्वायर गुना हो जाता है। ये आपका कंसेप्ट है एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस। बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन तो एक बार सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको बार बार कैलकुलेशन पर नहीं जाना है। इधर देख लो, मान लो ये मोटू तार है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का मान A है और इसका रो विशिष्ट प्रतिरोध, बताओ इसका प्रतिरोध कितना हो? प्रतिरोध बराबर रो L अपॉन A। बात समझ में आई? रो L अपॉन A। अच्छा A क्या होता है याद है? रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या का मान स्मॉल r मान लो। बताओ कोई दिक्कत हो तो बोलो यार, बात समझ में आई का आई ना? अरे भैया r बराबर रो L अपॉन A का मान रख दिया, a पाई आर स्क्वायर, ये अनुप्रस्थ काट होता, खींच दो साहब इसको, खींचो खींचो खींचो। अगर मैं इसको खींच दूं, ये खींच दिया, खींचने के बाद बताओ ये मोटा होएगा या पतला होएगा? पहले देखता हूं एल डैश नई लंबाई का मान कितना? एन एल। अरे लिखा है ना, इसकी लंबाई का मान कितना गुना? एन गुना। मान लो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? आर डैश। बताओ इसका अनुप्रस्थ काट कितना हो गया? ए डैश। बताओ इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो गया? बोलो। अभी सोचो इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो गया? खींच देना यार मैंने इसको, कितने बच्चे सही आंसर दे सकते हैं बताओ फटाफट, विशिष्ट प्रतिरोध बताओ। अच्छा ये बताओ बढ़ेगा घटेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, विशिष्ट प्रतिरोध एक समानुपातिक स्थिरांक होता है एंड दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्या क्या चीजें नियत रहेगी? विशिष्ट प्रतिरोध नियत रहेगा, द्रव्यमान नियत रहेगा, घनत्व नियत रहेगा, आयतन नियत रहेगा, सब नियत रहेगा। क्योंकि खींचने पर आयतन अपरिवर्तित रहेगा, मतलब बाद का आयतन निकालो चाहे पहले का आयतन निकालो। अच्छा तार का आयतन क्या होता है याद है? तार का आयतन होता है भैयाओं पाई आर स्क्वायर एच, बेलन होता है ना बेलन, और बेलन बाबू आजा, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? ये होता है अनुप्रस्थ काट, और एच क्या होता है? लंबाई होती है। बताओ क्या है? पाई आर स्क्वायर, इसकी इनवर्टेशन करूंगा, इंटू एच, एच की जगह एल डैश बराबर, बोलो इसका आयतन बोलो यार, पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो गया। अच्छा मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार, इधर देखो, मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए डैश इंटू एल डैश और ए इंटू एल लिख सकता हूं, बड़े आराम से लिख सकता हूं। आयतन का सूत्र जानते हो ना? आयतन क्या होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का संकेचन बताया पहले मैंने आपको, आयतन बेलन का आयतन बाय स्क्वायर एच। अच्छा बताओ इसका मान दे रखा है ए डैश, सॉरी
ए डैश इन टू एल डैश का मान रखा है खींच के लंबाई कितनी गुनी इतनी खींच के लपड़ मारा लंबाई का मान एन गुना होगा ए इन टू एल ये गया बताओ ए डैश बराबर क्या हो गया ए अपॉन एन ये आ गया एक नया संबंध आ गया इनमें बताओ नया प्रतिरोध बताओ आर डैश बराबर सूत्र बोलो रो एल की जगह एल डैश और ए की जगह ए डैश तार को खींचकर लंबाई का मान एन गुना कर दिया तो नई लंबाई का मान आ गया एन इंटू एल और नया अनुप्रस्थ काट कितना आया ए अपॉन एन एन बाबू चल दिए ऊपर चल दिए क्या देखें भैया कहां चले बोला ऊपर चले क्यों बट्टे में रखे हुए हैं और ये बट्टे वाले ऊपर 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 गया बताओ क्या एन स्क्वायर रो एल अपॉन ए आया देन आर डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस आर डैश का मान पुराने प्रतिरोध का एन स्क्वायर गुना होगा और यही हमने लिखा है यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई का मान एन गुना कर दे तो इसका प्रतिरोध का मान एन स्क्वायर गुना हो जाएगा एनी प्रॉब्लम आपको एक सवाल दिया हुआ है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई का मान दुगुना कर देते हैं तो एन की जगह क्या तरीका है दो तो बताओ प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा अब ये सब चीजें आपका काम कॉन्सेप्ट देखो एक और यदि चालक तार को खींचने पर इसकी त्रिज्या का मान 1/n गुना रह जाए खींचेंगे तो त्रिज्या का मान कम होगा 1/n गुना रह जाए n गुना रह जाए तो इसका प्रतिरोध n की पावर 4 गुना हो जाता है देखो सिंपल वेरी सिंपल किधर देखो इसका अनुप्रस्थ काट a है लंबाई l है ये रो है और त्रिज्या का मान स्मॉल r बताओ r बराबर क्या है रो l अपॉन a r बराबर रो l अपॉन पाई r स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 ये आपका फाइनल आ गया ये नंबर 2 था और ये फाइनल आंसर अब ऐसा कैसे काम यहां पर अच्छा खींच दिया मैंने देखो खींचने पर ये देखो ऐसा होगा त्रिज्या कितनी होगी आर डैश लंबाई एल डैश अनुप्रस्थ काट ए डैश लेकिन ये बाबू रो बाबू ऐसे कैसे क्योंकि ये पदार्थ पर निर्भर करते हैं और पदार्थ वही है अभी भी नो चेंज अट ऑल क्योंकि आयतन वही रहेगा आयतन नहीं बदलेगा तो कैसे लिखोगे बताओ बाद में भी आयतन वही होगा जो पहले था क्यों आयतन में ऐसी क्या खास बात है भैया आयतन क्यों नहीं बदला इसलिए नहीं बदला क्योंकि द्रव्यमान भी नहीं बदला और घनत्व भी नहीं बदला इसका आयतन बताओ तो क्या आएगा ए डैश इंटू एल डैश और इसका आयतन बोलो ए इंटू एल अच्छा इसका अनुप्रस्थ काट दो त्रिज्या के बारे में बात करेंगे ना अपन त्रिज्या के बारे में तो अब इसको चेंज करो बताओ पाई आर डैश स्क्वायर एल डैश बराबर पाई आर स्क्वायर एल इसकी त्रिज्या का मान आ रहा है तो ए का मान पाई आर स्क्वायर होता पाई से पाई काट दो अच्छा एक चीज देखिए आप आर डैश का मान दे रखा है आर डैश का मान कितना 1/n गुना रखो तो मान रखो इसका मान कितना रखू 1/n टाइम्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर इंटू एल डैश बराबर कुछ भी टफ नहीं है सीक्वेंस में सारी चीजें टफ नाम की चीज नहीं है इसके अंदर ये कैलकुलेशंस आसान है वह आयतन समान रहेगा आयतन का मान रखो तो सही एक बार रख के देखो आप आंसर नहीं आया तो फिर मेरे से मिलो बताओ तो सॉल्व करूं आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एल डैश बराबर
आर स्क्वायर इंटू एल, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर करके बताओ एल डैश बराबर क्या आया एन स्क्वायर एल। इसका मतलब लंबाई का मान कितना गुना हो गया एन स्क्वायर गुना। और आपने पढ़ा है अगर लंबाई एन गुनी करते हैं तो प्रतिरोध एन स्क्वायर गुना, और लंबाई एन स्क्वायर गुना करेंगे तो प्रतिरोध का मान एन की पावर फोर। अच्छा ऐसे मत निकालो, इससे मत पढ़ो, आप तो नया देखो, नया प्रतिरोध जिनको आ गया है वो अपने आप चालू हो जाओ, नया प्रतिरोध आर डैश बराबर चलो इसी सूत्र का इस्तेमाल करूंगा, रो नई लंबाई एल डैश, पाई नया नहीं होता है पुराना ही होता है, और आर ईआर बताओ इसी सूत्र का इस्तेमाल कर दिया आर बराबर रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो यहां भी आर डैश बराबर रो एल की जगह एल डैश, आर की जगह आर डैश, मान रख दो सारे आर डैश बराबर रो एल डैश की जगह क्या आएगा ये एन स्क्वायर एल पाई इंटू आर डैश की जगह वन अपॉन एन इंटू आर स्क्वायर, आर डैश बराबर एन की पावर फोर रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर डैश बराबर एन की पावर फोर टाइम्स ऑफ आर। ये कंसेप्ट से आपके वैसे तो एक से ही काम चल जाता है, लेकिन ये दोनों चीजें अब आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है ना, मैं इनका यूज कैसे करेंगे वो सिखा दूंगा आपको कैसे यूज करेंगे। कंसेप्ट नंबर वन बताओ क्या है, अगर तार को खींचेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, खींचकर लंबाई का मान n गुना कर दूं, खींच के लंबाई का मान कितना गुना n गुना, तो प्रतिरोध कितना गुना एन स्क्वायर गुना, ठीक है। अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है वो देख लो एक बार, आपसे यूं पूछा जाएगा यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई दो गुनी कर दें तो तार का प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ेगा, प्रतिशत बढ़ जाएगा, ऐसे ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं, अपने घर से चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। देखो कैसे, पहले तो बताओ प्रारंभिक प्रतिरोध का मान मान लो कितना है आर, तो नया प्रतिरोध कितना होगा, नया प्रतिरोध आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर, होता है लंबाई का मान एन गुना कर दिया तो प्रतिरोध का मान ही, और एन का मान कितना दे रखा है दो, इसका स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया फोर आर, तो बताओ प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा, प्रतिरोध में परिवर्तन बोलो डेल्टा आर बराबर कितना है, अरे पहले प्रतिरोध आर था लंबाई का मान एन गुना कर दिया तो प्रतिरोध एन स्क्वायर गुना हो गया, एन स्क्वायर आर पढ़ा था ना मैंने पहला कंसेप्ट, खींच के लंबाई एन गुनी तो प्रतिरोध एन स्क्वायर गुना, डेल्टा परिवर्तन कितना है बताओ आर डैश माइनस आर फोर आर माइनस आर कितना आया थ्री। अच्छा प्रतिशत कैसे निकालते, प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते, सबका ध्यान बोर्ड पर बहुत अच्छे से देखना, जैसे बंटवारा करना सिखाया मैंने आप बंटवारा याद है ना, ऐसे ही प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है, प्रतिशत परिवर्तन की बात कर रहा हूं, तो परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान, ये आई लगाता हूं मैं जानबूझ करके ताकि हमें याद रहे, दिस इज द इनिशियल वैल्यू, चेंज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज, बताओ डेल्टा आर कितना है, ये ना आर डैश माइनस आर थ्री आर, और प्रारंभिक मान कितना था आर, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था आर गुणा 100%, कितना आंसर आ गया, इसको इसे काट दो 300%,
अगर आपने तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया तो इसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? लंबाई में 300% की वृद्धि हो गई। ठीक है, एक और देख लो। आपसे कहा जाए लंबाई को खींचकर n गुना कर दिया, तार को खींचकर लंबाई n गुनी कर दी, तो तार को खींचकर लंबाई का मान कितना गुना कर दिया? n गुना। पहला नया प्रतिरोध बताओ कितना? ये तार का प्रतिरोध दे रखा है आपको, आर बताओ। प्रतिरोध में वृद्धि कितनी? और तीसरा, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, ये पूछा जाए। बहुत आसान काम है, नया प्रतिरोध कितना होगा? एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर। प्रतिरोध में वृद्धि बताओ डेल्टा आर, सोचो, और प्रतिशत वृद्धि का मान डेल्टा आर अपॉन आर इनिशियल इनटू 100%। चलो बताओ, ये बताओ आर डैश माइनस आर, आर डैश का मान एन स्क्वायर आर माइनस आर, एन स्क्वायर माइनस वन इंटू आर। अगर प्रतिरोध में परिवर्तन पूछा जाए, केवल परिवर्तन पूछा जाए, तो ऐसे निकल, कोई दिक्कत हो तो बोलो यार। अगर प्रतिरोध में परिवर्तन पूछा जाएगा तो ऐसे निकालेंगे, और अगर प्रतिशत वृद्धि का मान पूछा जाए तो रख दो मान एन स्क्वायर माइनस वन गुणा आर, और प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है? आर गुणा 100%। आपका आंसर आ गया एन स्क्वायर माइनस वन इंटू 100, ऐसे निकाल। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब दो क्वेश्चंस आपके आपके लिए। दो क्वेश्चंस आपके लिए, पहला चालक तार जिसका प्रतिरोध आर है, जिसका प्रतिरोध आर है, को खींचकर इसकी लंबाई डेढ़ गुनी कर देते हैं। डेढ़ गुनी का मतलब समझ आ रहा है? 1.5 टाइम्स, डेढ़ गुनी कर देते हैं। नया प्रतिरोध, प्रतिरोध में परिवर्तन एवं प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बताओ, एक सवाल। दूसरा, चालक तार जिसका प्रतिरोध आर है, इसे इतना खींचा जाता है, इतना खींचा जाता है कि इसकी त्रिज्या आधी रह जाती, नया प्रतिरोध, प्रतिरोध में परिवर्तन एवं
प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। मैं आपको एक चेतावनी दे देता हूं, इसमें गलती होने के चांस क्या है। देखो आपने क्या पढ़ा था याद है, आर डैश बराबर वन अपॉन एन इंटू आर, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है। तो नया प्रतिरोध क्या था याद है, एन की पावर फोर। सब लोग ध्यान देना, कहीं यू सोच रहा हूँ अरे मेरे को तो आता है सर, क्या आसान है, मैं नहीं बोल रहा हूँ टफ है, आसान तो है लेकिन जल्दबाजी में गलती कहाँ होती है वो बता रहा हूँ। अब मैंने क्या बोला, क्या कहा जा रहा है, तार को खींचकर प्रतिरोध आ रहे हैं, इतना खींचा जाता है कि इसकी त्रिज्या आधी रह जाए, तो नई त्रिज्या कितना है, आधी रहेगी साहब, आधी रहेगी ना, फाइनल रेडियस का मान प्रारंभिक त्रिज्या का आधा रह गया है। अब भैयाओं आधा रह गया आधा, तो बताओ एन का मान कितना है, एन का मान कितना है नजर आ रहा है। तो ये दोनों सवाल तुरंत प्रभाव से एक पेज में, कोई दो पेज में नहीं करेगा, एक पेज में सॉल्व करके और व्हाट्सएप कर दो तुरंत प्रभाव से। और एक चीज और, आपको अगर लगता है कि संधारित्र की एक वर्कशॉप का एक सेशन और होना चाहिए तो मैं रखने के लिए तैयार हूं, जब आप बोलेंगे। वैसे मैं एक टेस्ट और लूंगा अभी संधारित्र का, तो एक सेशन और रखना चाह रहा हूं संधारित्र का। अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे धड़ाधड़ व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, एक सेशन और रखना है या नहीं रखना है, रखना है तो मुझे बताओ और तबियत से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर हम नए खूब शानदार धमाल मचाएंगे, इसमें लगभग करंट इलेक्ट्रिसिटी में 500 से 1000 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, मिनिमम 500 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे संधारित्र में 125 प्रॉब्लम्स तो मैं आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, हो गया। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।